हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डैफोडिल ग्रीन ड्रीम्स। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि गर्मियों में सब्जियों के कौन से बीज हम अपने घर पे ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहली सब्जी आप देख रहे हैं हमारी कौन सी है, पालक की सब्जी है। पालक का बीज है और प्लांट्स मैन कंपनी है इसकी सीड्स की, काफ़ी अच्छी कंपनी है ये, वर्ल्ड क्लास सीड्स हैं और 12 महीने की पालक है। इसको आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं। और पीछे देखिए दोस्तों, इसके MRP रेट भी लिखा हुआ है 25 रुपीज़। इसकी जनरेशन है मिनिमम 70%, फिजिकल प्योरिटी भी इसकी 98% है और जेनेटिकली प्योरिटी भी ये 98% है। काफ़ी अच्छा सीड्स है दोस्तों और ये प्लांट्स मैन सीड्स कंपनी का है। तो दोस्तों, दूसरी सब्जी हमारी है करेले की, करेले का बीज जिसको इंग्लिश में बीटर गार्ड भी कहते हैं। और प्लांट्स मैन सीड्स का ये वो सीड्स की कंपनी है इसकी, और 25 रुपीज़ का है ये पैकेट आपको सेम, और इसकी जनरेशन रेट भी सेम ही है। काफ़ी अच्छी से ग्रोथ करेगा ये 12 महीने का करेला, इसको आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, तीसरी सब्जी है हमारी टिंडे का बीज है ये, और सेम ही इसकी कंपनी है प्लांट्स मैन सीड्स की, सेम इसका जनरेशन रेट भी है और प्राइस भी आपको मार्क रिटेलर है। काफ़ी आपको ऑनलाइन और कहीं पे भी किसी भी शॉप पे सीड्स वाली अवेलेबल हो जाएगा। और दोस्तों, चौथी सब्जी है हमारी मेथी की सब्जी, मेथी के सीड्स हैं ये, सेम ही कंपनी है और जनरेशन रेट भी सेम ही है इसका। और दोस्तों, इसकी जनरल प्योरिटी है 98% और मार्क MRP इसकी 25 रुपीज़ ही है। ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा आपको ये ऑनलाइन। दोस्तों, पांचवी सब्जी है हमारी प्लांट्स मैन सीड्स की कोरिएंडर धनिया, सेम ही कंपनी और सेम ही इसका प्राइस है। और दोस्तों, इसको हम कभी भी ग्रो कर सकते हैं, गर्मियों में इसको जल्दी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, सर्दियों में भी अच्छी तरह ग्रो हो जाएगा। दोस्तों, ये वही मेथी है, इसके मेरे पास 2 पैकेट हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ये मैं दिखाता हूँ आपके कुछ फूल लगे सीड्स। दोस्तों, ये है गिलाडिया, काफ़ी अच्छा फूल आता है ऑरेंज का, इसको गर्मियों में भी लगा सकते हैं। और ये दोस्तों, आपका 12 महीने तक ये प्लांट बना ही रहेगा, लेकिन फूल ये गर्मियों में ही करेगा। दोस्तों, दूसरा है ये पॉर्चुला का, जिसको आप दोपहर खिड़ी भी बोलते हैं, 9 o'clock भी बोलते हैं। काफ़ी अच्छा फूल आता है ये और ईजिली ये ग्रो भी हो जाता है गर्मियों में, काफ़ी अच्छा फूल देता है, आपके गमले को भर देता है। और दोस्तों, ये तीसरा फूल है गिलाडिया डबल मिक्स, काफ़ी अच्छा फूल है ये भी और बहुत उसी का डबल मिक्स है गिलाडिया पहले वाले का, जिसमें सिंगल पेटल, इसमें डबल पेटल के फ्लावर्स आते हैं। और दोस्तों, ये है छुई मुई, ये काफ़ी अच्छा पौधा है, टच मी नॉट भी बोलते हैं इसको। और इसके अभी सीड्स हैं ये 10-10 ग्राम के सीड्स के पैकेट्स हैं, काफ़ी अच्छे ईजिली आपका अवेलेबल हो जाते हैं गर्मियों में। और दोस्तों, ये है भिंडी का सीड्स, ये भी सेम ही रेट्स के हैं, 25 रुपीज़ का पैकेट आपको कहीं भी ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा। और दोस्तों, ये है गर्मियों की ककड़ी, जिसको तर भी बोलते हैं, काफ़ी अच्छी से ग्रो हो जाएगा ये आपके घर पे, इसको भी आप गर्मियों में ज़रूर लगा सकते हैं। और दोस्तों, ये है लास्ट हमारा सीड्स फ्रांस बीन्स का, ये काफ़ी अच्छी फलियों वाले बीज हैं। और देखिए, इसके सीड्स जैसे राजमा होता है छोटा छोटा वाइट कलर का, सेम टू सेम वैसे ही है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा।